ऑलराइट गाइस, तो आज कोई साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई धमाका नहीं और ना ही कोई साइंस ट्रिक, क्योंकि आज हम कुछ नया करने वाले हैं। सो गाइस, जहां पर मैं रहता हूं वहां से करीब 4 किलोमीटर की दूरी के ऊपर एक कुआं है जिसके बारे में आसपास के लोग ऐसा कहते हैं कि वो एक भूतिया कुआं है, यानी कि वो एक हॉन्टेड वेल है, क्योंकि काफ़ी सालों पहले उसी कुएँ के ऊपर बड़े ही रहस्यमय तरीके से 3 लोगों की मौत सांप के काटने से हो गई थी एक एक करके। और अजीब सी बात यह है कि उस सांप ने 3 लोगों को एक ही जगह के ऊपर डसा था, तो ये बात थोड़ी अजीब ज़रूर लगती है। और गाइस, तभी से काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि वो एक भूतिया कुआ है, यानी कि वो एक शापित कुआ है और जो भी व्यक्ति या फिर कोई भी इंसान उस कुएं के ऊपर जाएगा तो उसे सांप काट लेंगे। लेकिन गाइस, मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं ऐसी बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ। हाँ, वो जो सांपों वाली बात है वो ज़रूर रियल हो सकती है। सो गाइस, आज हम उसी हॉन्टेड वेल यानी भूतिया कुएं के ऊपर जाएंगे और हम इसके पीछे के रहस्य का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। और काफ़ी लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि उस कुएं के अंदर दो मुंह वाले सांप भी रहते हैं। तो चलिए सच्चाई का पता लगाते हैं। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो गाइस, यहाँ से 4 किलोमीटर और दूर है, तो बस आ जाइए मेरे साथ। रास्ता थोड़ा खराब जरूर है, लेकिन हरियाली में दिल
को छू लेने वाली। आई थिंक मुझे अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से रास्ता थोड़ा काफी खराब है, तो हमें शायद गाड़ी यहीं पर पार्क करनी ना पड़े और फिर शायद आगे का रास्ता हमें पैदल ही तय करना पड़े। तो चलिए गाड़ी को तो यहीं पर पार्क कर देते हैं और वो जो आप देख रहे हैं वही है वो हंटेड वेल जो इधर की साइड में है, उसी को लोग कहते हैं हंटेड वेल और इसे सांपों का गढ़ भी कहा जाता है। और यहाँ पर लोग दावा करते हैं कि कई विचित्र विचित्र सांप देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अब देखना यह है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। यहाँ पर दो कुएं हैं लेकिन आगे वाला सुरक्षित माना जाता है लेकिन पीछे वाला हॉन्टेड है। तो गाइस यहाँ पर अभी तक तो मुझे कोई भी सांप दिखाई नहीं दिया है लेकिन मैं कुएं के पास में जा रहा हूँ। मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है क्योंकि लोग काफी सारी अफवाहें आपके दिमाग में और दिल में बिठा देते हैं जिनकी वजह से आपको काफी डर लगता है। लेकिन तो चलिए पहले इस एरिया को हम देख लेते हैं कि यहाँ कोई सांप वाप तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सांप हुए तो हमें भागना पड़ेगा क्योंकि मुझे सांपों से बहुत ज्यादा डर लगता है। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा हमारा हॉन्टेड वेल। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल सुनसान है। कोई टाइम हुआ करता था जब यहाँ पर लोगों की भीड़ रहा करती थी उस तालाब के अंदर नहाने के लिए और इस कुएं से पीने का पानी भरा जाता था, लेकिन आज यहाँ पर कोई भी नहीं भटकता है। लेकिन मुझे भूत तो अभी तक भी दिखाई नहीं दिया है। सो गाइस चलिए तो इस कुएं के बिल्कुल पास में चलते हैं। मैंने भी इससे पहले इस कुएं को अंदर से नहीं देखा है तो हमें थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी होगी। सो गाइज अभी तक तो मुझे यहाँ पर कोई भी सांप दिखाई नहीं दिया है, लेकिन पहले इस कुएं का पानी बिल्कुल साफ हुआ करता था लेकिन अब इसे लोग यूज में नहीं लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना कूड़ा करकट भरा हुआ है। सो गाइज इस तरीके से तो हमें कोई भी सांप दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें इसके लिए शायद दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो गाइस इस तरीके से तो हम इस कुएं का इंस्पेक्शन यानी कि इसके रहस्यों का पता नहीं लगा पाएंगे, इसके लिए हमें कुएं के अंदर झांकना होगा। सो गाइस इसके लिए मैंने ये सिंपल सा जुगाड़ आप इसे कह सकते हैं ये बना रखा है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक फ्लैश लाइट है क्योंकि कुएं के अंदर लाइट नहीं होगी और इसके साथ में मेरे पास है यहाँ पर एक वाटर प्रूफ कैमरा। आप देख सकते हैं कि इसकी सहायता से हम कुएं के अंदर भी देख पाएंगे कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है और हो सकता है कि हमें दो मुंह वाला सांप भी देखने को मिल जाए। और गाइस मैंने इसके लिए कागज लगा रखे हैं ताकि ये इस तरीके से घूमे ना, जब हम इसे पानी में डालेंगे तो ये इसकी सहायता से इसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो चलिए इस कैमरे को इस कुएं के अंदर डाल के देखते हैं। गाइस तो हमारा कैमरा भी ऑन हो चुका है, तो चलिए इसे डालते हैं इस कुएं के अंदर। तो गाइस मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये कुआं कितना गहरा होगा। और गाइस हमारा कैमरा पानी के अंदर डूब चुका है। Thank you.
कुछ दिखाई दे रहा है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आई थिंक हमारा कैमरा नीचे इसके जो पैदा होता है उसे टच कर चुका है या फिर ये कहीं पे जाके अटक गया है। आप देख सकते हैं कि ये इससे ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है। मुझे नहीं पता है कि कैमरे के अंदर क्या रिकॉर्ड हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये तो जब मैं इस कैमरे को बाहर निकालूंगा तभी पता चल पाएगा। आई होप इसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर ऐसा आया होगा जिससे हम इसके रहस्यों का पता लगा सके। मुझे थोड़ा थोड़ा डर जरूर लग रहा है क्योंकि काफी लोगों ने मुझसे कहा है कि ये एक शापित कुआ है और अगर मैं यहाँ आया तो मुझे डेफिनेटली कोई सांप जरूर काट लेगा। सो गाइस अभी तक तो मुझे कोई सांप दिखाई नहीं दिया है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं इसको छोड़ के भागने में एक भी सेकेंड नहीं लगाऊंगा। ऑलराइट गाइस, लेकिन ये अभी तक भी चालू है तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड जरूर हुआ। तो चलिए कैमरे